हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर जाट। आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की परीक्षा में मॉडल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम सीखेंगे कि किस मॉडल का किस किस स्थिति में प्रयोग करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मॉडल। मॉडल किसको कहते हैं? मॉडल, मॉडल जो शब्द है इसको अपन इजी रूप में समझने के लिए मूड शब्द से बना हुआ मान सकते हैं। मूड, मूड का मतलब होता है मनोदशा, मन स्थिति। तो वे शब्द जो हमारे मनोदशा को व्यक्त करते हैं, हमारी मनोस्थिति को व्यक्त करते हैं, वे मॉडल कहलाते हैं। परीक्षा में एक प्रश्न आता है जिसमें आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उसमें ब्लैंक छोड़ दिया जाता है और उसमें आपको दिए गए मॉडल में से उपयुक्त मॉडल को चुनकर उसमें भरना होता है। तो सबसे पहले अपन एक एक मॉडल को पढ़ेंगे कि किस मॉडल का प्रयोग कहाँ होता है। सर्वप्रथम अपना मॉडल है केन। पहला अपना मॉडल है केन। केन जो है मॉडल, पहला मॉडल है केन का जो प्रयोग होता है वो सबसे पहले होता है फिजिकल और मेंटल एबिलिटी, फिजिकल और मेंटल एबिलिटी, शारीरिक या मानसिक क्षमता। यदि किसी वाक्य में शारीरिक मानसिक क्षमता बताई गई है तो वहां अपन मॉडल केन का प्रयोग करते हैं। या कैपेसिटी, एबिलिटी या कैपेसिटी, योग्यता या क्षमता। तो यदि किसी वाक्य में शारीरिक मानसिक क्षमता या योग्यता बताई गई है तो वहाँ अपन मॉडल केन का प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो अंग्रेजी बोलना यह एक मेरी मानसिक योग्यता हो गई, मानसिक क्षमता हो गई, और इसको बताने के लिए अपन ने मॉडल का प्रयोग किया कैन। इसी तरह ही कैन लिफ्ट दिस टेबल, माई फादर कैन रन 2 किलोमीटर्स। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे उसमें मॉडल कैन का प्रयोग होता है। दूसरा इसका प्रयोग होता है जनरल पॉसिबिलिटी, जनरल पॉसिबिलिटी, सामान्य संभावना। संभावना को व्यक्त करने के लिए जहाँ कहीं सामान्य संभावना अगर बताई गई है तो वहाँ अपन मॉडल केन का प्रयोग करते हैं। सामान्य संभावना के अर्थ में जनरल पॉसिबिलिटी के रूप में अपन इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण जैसे मैं कल उदयपुर जा सकता हूँ या वह कल उदयपुर जा सकता है, तो ही कैन गो टू उदयपुर, ही कैन गो टू उदयपुर, वह उदयपुर जा सकता है। तो यहाँ उसके उदयपुर जाने की सामान्य संभावना है और सामान्य संभावना को बताने के लिए अपन मॉडल केन का प्रयोग करते हैं। केन का जो तीसरा प्रयोग होता है वो होता है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, मोस्ट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। केन का तीसरा जो प्रयोग होता है वो होता है मोस्ट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, मोस्ट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। अनौपचारिक निवेदन, अनौपचारिक निवेदन। यदि किसी वाक्य में कोई इनफॉर्मल रिक्वेस्ट किया गया है तो उस वाक्य में भी अपन मॉडल कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे जिसमें अनौपचारिक निवेदन किया गया है वहाँ भी अपन मॉडल कैन का प्रयोग करते हैं। और चौथा इसका प्रयोग है इनफॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन, अनौपचारिक आज्ञा, अनौपचारिक आज्ञा या अनुमति। तो यदि किसी वाक्य में कोई इनफॉर्मल परमिशन दी गई है, अनौपचारिक आज्ञा दी गई है, तो वहां भी अपन मॉडल का प्रयोग करते हैं कैन। जैसे तुम जा सकते हो या तुम यहाँ बैठ सकते हो, तो यू कैन गो, तुम जा सकते हो। तो यहाँ इसको अनौपचारिक परमिशन दी गई है, आज्ञा दी गई है, अनुमति दी गई है। यू कैन सिट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो,
इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उसमें मॉडल कैन का प्रयोग करते हैं। दूसरा अपना मॉडल आता है कुड, दूसरा जो अपना मॉडल आता है वो आता है कुड, कैन के बाद दूसरा मॉडल है कुड। कुड का प्रयोग भी बिल्कुल कैन से मिलता जुलता है, इसमें आपको जो शारीरिक या मानसिक क्षमता है उसके लिए भी कुड का प्रयोग होता है, लेकिन उसमें उसका जो टेंस है वो बदल जाता है। तो पहला होता है फिजिकल या मेंटल एबिलिटी, या कैपेसिटी, लेकिन ये होनी चाहिए पास्ट टेंस की, भूतकाल की। तो भूतकाल की शारीरिक या मानसिक क्षमता को बताने के लिए, भूतकाल की शारीरिक या मानसिक क्षमता को बताने के लिए अपन मॉडल कुड का प्रयोग करते हैं। भूतकाल की शारीरिक या मानसिक क्षमता को बताने के लिए अपन मॉडल कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे माय ग्रैंडफादर रन 5 kilometers when he was young. My grandfather run 5 kilometers when he was young. तो इस सेंटेंस को अपन देखेंगे कि रन दौड़ना एक शारीरिक क्षमता है, और इस सेंटेंस को आगे अपन देखेंगे तो ही वॉज यंग, जब वो जवान थे, ये अपने को पास्ट टेंस बता रहा है। तो जिस वाक्य में पास्ट टेंस की कोई शारीरिक या मानसिक क्षमता या योग्यता होती है तो वहाँ अपन मॉडल भरेंगे कुड, इसीलिए अपना मॉडल आएगा यहाँ कुड। तो माई ग्रैंड फादर कुड रन 5 kilometers when he was young। अगला इसका प्रयोग होता है पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए केन आता है, लेकिन जब पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, विनम्र निवेदन होता है, तो वहाँ अपन कुड का प्रयोग करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन। तो यदि किसी वाक्य में कोई पोलाइट रिक्वेस्ट किया गया है, विनम्र निवेदन किया गया है, तो वहां अपन मॉडल कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कुड यू हेल्प मी प्लीज। अब यहां ये जो प्लीज शब्द है, ये प्लीज शब्द अपन को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ जो निवेदन किया गया है वो पोलाइट रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, और विनम्र निवेदन को बताने के लिए अपन मॉडल कुड का प्रयोग करते हैं। इसी तरह इसका तीसरा प्रयोग होता है प्रेजेंट या फ्यूचर परमिशन। आज्ञा, प्रेजेंट या फ्यूचर परमिशन, वर्तमान काल में या भविष्य की किसी अनुमति के लिए अपन मॉडल कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे Could I go to Udaipur tomorrow? क्या मैं कल उदयपुर जाऊं? Could I go to Udaipur tomorrow? Please. Could I go to Udaipur tomorrow? Please. क्या कल मैं उदयपुर जा सकता हूं? तो फ्यूचर की जो अनुमति है, परमिशन है, उसको बताने के लिए भी अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं, मॉडल कुड का प्रयोग। तीसरा जो अपना मॉडल होता है वो है मैं का जो मॉडल है वो संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो तीसरा अपना मॉडल है मैं का पहला प्रयोग है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मजबूत संभावना, अधिकतम संभावना, ज़्यादा संभावना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तीव्र संभावना, इसको बताने के लिए अपन मॉडल मे का प्रयोग करते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तीव्र संभावना, तगड़ी संभावना, इसको बताने के लिए मॉडल इसका प्रयोग करते हैं। या फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, तथ्य आधारित संभावना, किसी तथ्य पर आधारित अगर कोई संभावना है तो वहां भी अपन मॉडल मे का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट ब्लैंक छोड़ दिया है रेन टूडे। अब इस वाक्य में आपको मॉडल भरना है, आपको मे, कैन, माइट तीन ऑप्शन दिए गए हैं। इस वाक्य को अगर अपन देखें, देर आर क्लाउड्स, बादल हैं, इन द स्काई आकाश में बादल हैं, इट रेन टूडे, आज बारिश। तो यहाँ ये जो है फैक्ट दिया गया है, या इस फैक्ट के आधार पर ये जो पॉसिबिलिटी है बरसात होने की वो स्ट्रांग हो गई है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई तथ्यात्मक
संभावना या किस तगड़ी संभावना होती है तो वहां मॉडल अपन मे भरते हैं, इसलिए इस वाक्य में अपना मॉडल आएगा मे। दूसरा इसका प्रयोग फॉर्मल परमिशन, मे का दूसरा प्रयोग होता है फॉर्मल परमिशन, मे का दूसरा प्रयोग फॉर्मल परमिशन, औपचारिक आज्ञा या औपचारिक अनुमति, औपचारिक अनुमति। अपन क्लास में आते हैं और क्लास में जब क्लास टीचर होते हैं या कोई सब्जेक्ट टीचर होते हैं तो अपन क्लास में आने के लिए सर से निवेदन करते हैं, एक औपचारिक रूप से उनसे परमिशन मांगते हैं, तो वहाँ अपन इस मॉडल का प्रयोग करते हैं, जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें औपचारिक अनुमति फॉर्मल परमिशन चाही गई है वहाँ अपन मॉडल मे का प्रयोग करते हैं। अगला मॉडल होता है अपना माइट, चौथा मॉडल है माइट। माइट 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 जो मॉडल है इसका जो पहला प्रयोग होता है वो होता है डिफिडेंट रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी, इसका खास प्रयोग यही है रिमोट पॉसिबिलिटी। नगण्य संभावना, 0% संभावना या बहुत कम संभावना, तो यदि किसी कार्य के होने की कम संभावना है, नगण्य संभावना है, तो वहां अपन मॉडल माइट का प्रयोग करते हैं, जैसे द स्काई इज क्लियर, इट रेन टुडे, और आपको मॉडल दे दिया मे, माइट और कैन। अब आप इस सेंटेंस को देखेंगे, द स्काई इज क्लियर, आकाश साफ है, इट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो अब यहाँ आकाश साफ है इस तथ्य से ये फाइनल हो गया है कि यहाँ जो बारिश होने की संभावना है वो रिमोट है, नहीं के बराबर है, बिल्कुल कम है, तो ऐसी स्थिति में अपना मॉडल आएगा माइट। तो इस प्रकार अपन नगण्य संभावना के लिए, नहीं के बराबर संभावना के लिए अपन मॉडल माइट का प्रयोग करते हैं। दूसरा इसका प्रयोग होता है डिफिडेंट परमिशन, डिफिडेंट परमिशन, डिफिडेंट परमिशन, अनुमति के लिए किसी डिफिडेंट आश्रित अनुमति के लिए या किसी निश्चित अनुमति के लिए अपन माइट का प्रयोग करते हैं, जैसे माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूं, माइट आई आस्क ए क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें डिफिडेंट परमिशन मांगी गई है वहां भी अपन मॉडल माइट का प्रयोग करते हैं। अगला मॉडल आता है अपना मस्ट, पांचवा मॉडल है मस्ट। मस्ट का जो पहला प्रयोग होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग एडवाइस, मजबूत सलाह, यदि किसी वाक्य में कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी गई है तो उसके उस वाक्य में अपन मॉडल का मस्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे यू टेक रेस्ट, यू आर इल, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, मजबूत सलाह। तो यदि किसी वाक्य में कोई मजबूत सलाह दी गई है तो उस वाक्य में भी अपन मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे यू टेक रेस्ट, आपको आराम करना चाहिए, यू आर इल, आप बीमार हैं, तो आप बीमार हैं इसका मतलब आराम करने की जो सलाह दी गई है वो स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, मजबूत सलाह है, तो ऐसी स्थिति में अपन मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। अगला इसका मस्ट का प्रयोग होता है कंपल्सन, कंपल्सन, अनिवार्यता, यदि किसी वाक्य में अनिवार्यता, कंपल्सरी कोई कार्य है तो उसको बताने के लिए भी अपन मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। उदाहरण जैसे हमें विद्यालय यूनिफॉर्म में आना चाहिए, वी मस्ट कम इन स्कूल यूनिफॉर्म, वी मस्ट कम इन स्कूल यूनिफॉर्म। अब यहाँ विद्यालय में अपन को स्कूल यूनिफॉर्म में आना अनिवार्य है, तो ऐसी स्थिति में अनिवार्यता को बताने के लिए अपन मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो मस्ट का प्रयोग होता है वो होता है ऑब्लिगेशन, बाध्यता, बाध्यता। तो यदि किसी वाक्य में कोई ऑब्लिगेशन बताया गया है, बाध्यता बताई गई है, तो वहां भी अपन मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं, जहां अपन नियमों से बंधे हुए हैं और उसके आधार पर किसी कार्य को करने के लिए बाध्य हैं, तो वहां अपन मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स,
हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। अब यहाँ मस्ट आ रहा है, मस्ट इसलिए आ रहा है कि हम यातायात नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। तो जब किसी कार्य को करने के लिए हम नियमों से बंधे हुए हैं, हमारे लिए ऑब्लिगेशन है, तो वहाँ अपन मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। अगला मॉडल होता है वुड, छठा मॉडल है अपना वुड, WOULD वुड। वुड जो मॉडल है इसका प्रयोग पास्ट हैबिट, भूतकाल की आदत, भूतकाल की आदत को बताने के लिए मॉडल वुड का प्रयोग होता है। पास्ट हैबिट को बताने के लिए, भूतकाल की आदत को बताने के लिए मॉडल वुड का प्रयोग होता है। उदाहरण अपन लिख सकते हैं कि ही वुड गो टू टेम्पल डेली, वह प्रतिदिन मंदिर जाया करता था। तो पास्ट टेंस की जो हैबिट है, भूतकाल की जो आदत है, उसको बताने के लिए मॉडल वुड का प्रयोग करते हैं। अगला है शुड, छठा मॉडल, सातवां मॉडल है शुड। शुड और ऑट टू दोनों का प्रयोग एक ही अर्थ में लगभग किया जाता है, शुड, या इसकी तरह ought to का प्रयोग भी इसकी जगह कर सकते हैं। इनका जो पहला प्रयोग होता है वो होता है मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य। यदि किसी वाक्य में कोई मॉरल ड्यूटी की बात बताई गई है तो वहां अपन शुड का या ought to का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब यहाँ बड़ों का सम्मान करना हमारे लिए मॉरल ड्यूटी है, एक नैतिक कर्तव्य है, इसलिए यहाँ मॉडल शुड का प्रयोग हो रहा है। शुड की बजाय यहाँ अपन ऑट टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। और उदाहरण हो सकते हैं, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, वी मस्ट ओबे आवर टीचर्स, इस तरह के सेंटेंस में भी अपन शुड का प्रयोग कर सकते हैं। आठवां मॉडल है विल और शैल, विल और शैल। विल और शैल फ्यूचर टेंस के द्योतक है, लेकिन जब इनका मॉडल के रूप में प्रयोग होता है तो इनका प्रयोग अलग तरह से होता है। जिनके साथ शैल आता है सामान्य रूप से, उनके साथ विल आने लग जाता है, और जिनके साथ विल आता है उनके साथ शैल आने लग जाता है, तो इसका प्रयोग जो है वो मॉडल के रूप में माना जाता है। तो सामान्य रूप से आई और वी के साथ शैल आता है, लेकिन जब मॉडल के रूप में यूज करेंगे तो आई और वी के साथ विल आने लग जाएगा और अदर्स के साथ शैल आने लग जाएगा, तो ये मॉडल का यूज हो जाएगा। अब ये कब होता है? तीन स्थिति में होता है। पहला होता है फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। यदि किसी वाक्य में कोई फर्म डिटर्मिनेशन या दृढ़ निश्चय बताया गया है तो उस वाक्य में मॉडल विल या शेल का प्रयोग होगा। और उसमें ये ध्यान रखना है, आई और वी के साथ विल आएगा और अदर्स के साथ शेल आएगा। या किसी वाक्य में थ्रीएट धमकी, यदि किसी वाक्य में कोई धमकी का भाव है तो उस वाक्य में भी मॉडल विल या शेल का प्रयोग होगा। या यदि किसी वाक्य में कोई प्रोमिस, कोई वादा किया गया है, तो उस वाक्य में भी अपन मॉडल विल या शेल का प्रयोग करते हैं। उदाहरण लिख लीजिए, मैं तुम्हें मार डालूंगा, आई विल किल यू। अब यहाँ आई के साथ शेल आता है, लेकिन आई विल किल यू वो उसको धमकी दे रहा है मारने की, तो धमकी की वजह से इसमें मॉडल जो आ रहा है वो विल आ रहा है। आप अपनी कक्षा में पहले स्थान प्राप्त करने के लिए आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है, आपने अपना पूरा मन बना लिया है, तो वहाँ भी आप मॉडल आई वी और शेल का प्रयोग करेंगे। उदाहरण, ही शेल गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, ही शेल गेट, वह प्राप्त करेगा फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। तो उसने कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने का फर्म डिटर्मिनेशन बना लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो वहाँ भी अपन मॉडल विल या शेल का प्रयोग करते हैं। या और उदाहरण आपके प्रोमिस वायदा के लिए, जैसे आपने किसी को आने के लिए निवेदन किया और वो आएगा, वो पक्का वायदा आपसे कर रहा है, तो वह भी उसी तरह से विल या शेल मॉडल का प्रयोग करेगा। जैसे आई विल कम श्योरली, मैं निश्चित रूप से आऊँगा, तो मैंने विल का जो यूज़ किया इसका मतलब ये मेरा प्रोमिस है, मैं 100% निश्चित रूप से आऊँगा। तो इस तरह से विल और शेल मॉडल का प्रयोग हम
कर सकते हैं। इन सभी मॉडल को सरल तरीके से समझने के लिए अपन एक टेबल के रूप में भी इसका बना सकते हैं कि किस मॉडल का प्रयोग किस मूड को बताने के लिए किया जाता है। तो अपन लिख देते हैं मॉडल्स, और वो जो मॉडल है किस किस मूड को बताते हैं, कौन सा मॉडल किस मूड को बताता है, ये एक टेबल आप बना सकते हैं और इस टेबल के माध्यम से अपन आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो पहला मॉडल है अपना केन। केन एबिलिटी को बताता है, कैपेसिटी को बताता है, फिजिकल या मेंटल कोई सी भी हो सकती है, एबिलिटी कैपेसिटी फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, या स्किल किसी भी अपने काम करने का कुशलता है, कौशल है, उसको बताने के लिए भी अपन मॉडल केन का प्रयोग करते हैं। दूसरा मॉडल है मे। मे का प्रयोग अपन ने सीखा है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मजबूत संभावना, या फॉर्मल परमिशन। मुख्य प्रयोग इसके दो है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या फॉर्मल परमिशन। औपचारिक अनुमति के लिए भी अपन मे का प्रयोग करते हैं, या केवल संभावना को बताने के लिए भी कभी कभी, प्रोबेबिलिटी संभावना को बताने के लिए भी कभी कभी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा मॉडल है अपना मस्ट। मस्ट का प्रयोग कंपल्सन या ऑब्लिगेशन, बाध्यता या अनिवार्यता, उसको बताने के लिए अपन मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी अपन लीगल ड्यूटी, अपना कानून के आधार पर अपना कर्तव्य, लीगल ड्यूटी, तो उसको बताने के लिए भी अपन मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। अगला है व्हील सेल। व्हील सेल का जो प्रयोग होता है अभी अपन पढ़े थे, तीन स्थिति में होता है। पहला होता है फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, थ्रीएट, धमकी या प्रोमिस या वादा। तो इन तीनों स्थिति में अपन मॉडल विल या शेल का प्रयोग करते हैं। मॉडल के रूप में जब विल शेल का प्रयोग होता है तो आई और वी के साथ विल आता है और अदर्स के साथ शेल आता है। अगला मॉडल है अपना वुड। वुड का जो प्रयोग है वो पास्ट हैबिट को बताने के लिए किया जाता है, पास्ट हैबिट, और कभी कभी पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। तो किसी वाक्य में अगर आपको रिक्वेस्ट के रूप में वुड दिया गया है तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। शुड या ऑट टू, शुड या ऑट टू, तो शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं अपन, ऑट टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये अपना मॉरल ड्यूटी के लिए, यदि किसी वाक्य में कोई अपना नैतिक कर्तव्य बताया गया है, मॉरल ड्यूटी अगर बताई गई है, तो वहाँ अपन शुड या ऑट टू का प्रयोग करते हैं। कभी कभी सजेशन, सुझाव के लिए भी अपन, एडवाइस के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और उदाहरण मस्ट का प्रयोग, मस्ट नोट, मस्ट नोट या मस्टंट जिसको कह सकते हैं, मस्टंट। तो कंपल्सन के लिए अपन मस्ट का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जब किसी नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक कोई आपका बाध्यता है तो वहां अपन मस्टंट का प्रयोग कर सकते हैं। नेगेटिव ऑब्लिगेशन, जैसे यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, आपको यहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट पार्क योर व्हीकल हियर, आपको अपना वाहन यहाँ पार्क नहीं करना चाहिए। और एक मॉडल इस प्रकार से, इस टेबल की सहायता से अपन किसी भी मॉडल को समझ सकते हैं। परीक्षा में प्रश्न आपको एक ब्लैंक मिलता है, उसमें से चार मॉडल दिए गए होते हैं, आपको उस वाक्य का भाव मूड को देखते हुए उसमें सही ऑप्शन भरना है। इसके प्रश्न का आप अभ्यास करेंगे और निश्चित रूप से अपन वापस मिलेंगे पुनः एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स, धन्यवाद।